बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ समझ ले आ गई हैं, हमने फ्रिज भी लिया और गर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। और आज गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन जो है 10-11 बजे आजकल काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी हर कोई अंदर छुप जाता है। तो ऐसे ही हमारे भी है, लेकिन तारिक साहब ने 3-4 चक्कर लगाए हैं शहर। अभी फजर जो है ना वो आई है स्कूल से वापस, तो इसको मैंने काम लिखवाया और आज इसकी ना थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई है ना। फजर पहले मोहम्मद सुबान को बुखार हो गया था और आज इसको हो गया। चले कोई नहीं, अभी जो है हमने मच्छरों का इंतज़ाम कर लिया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको बुखार नहीं होगा। और गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे पौधे जो है ना वो भी बेचारे मुरझा चुके हैं। ये भी हमारे बच्चों की तरह हैं, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना गर्मी में, इनको कमरे में लेकर बैठ जाते हैं, सेम इनकी हालत भी ऐसी है। तो अभी इफ्तार का भी टाइम होने वाला है, तो तारिक साहब से मैंने बोला है कि आप ना इनको पहले पानी लगा देंगे ताकि ये भी खिल जाएँ हमारे बच्चों की तरह ना, तो ये भी खिले खिले हों, क्योंकि इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है जैसे हमारे अपने बच्चों के साथ। और माशाल्लाह जी हमारा जो ये वाला पौधा है ना, ये आज निकाल रहा है फूल, पहला पौधा जो है वो फूल निकाल रहा है। तो आस्ता आस्ता हम गार्डन में से, ये तो आप तारिक साहब उखाड़ ही दें, हुआ ही नहीं है बेचारा, नीचे गर्दन उसकी और खुश्क हो गए हैं, और ये वाली चीज़ें भी उखाड़ देंगे और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे बस यही वाले फूल इंशाल्लाह। बाकी तारिक साहब जो है वो चलाते हैं मोटर और हम इनको लगाते हैं पानी, ठंडा माहौल हो जाएगा और फिर हम करेंगे अपनी इफ्तार की तैयारी। और एक अहम बात जो आप सबके साथ शेयर की नहीं, वो है जी फ्रिज की, कि हमारी फ्रिज की कंडीशन क्या है, हमने चलाई या नहीं चलाई, क्योंकि हम लोगों ने ली है तो वो आपके साथ फिर शेयर नहीं किया कि हम लोगों ने जो है फ्रिज का क्या सेटअप किया है। तो पानी लगाती हैं और उसके बाद आप सबको जो है ना फ्रिज का दिखाते हैं कि उसने क्या कारकर्दगी की है। फिलहाल जी हम लोग चलते हैं अंदर कमरे में, और सबसे पहले एक तो ये ख़तरनाक काम, सभी कहते हैं ये ख़तरनाक है, लेकिन ये रात को नहीं चलता इसलिए क्योंकि रात को हम लोग कमरे में सोते हैं ना, तो रात को ये नहीं चलता, फिर रात को सब खतरे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बस दिन दिन को होता है ख़तरा, वैसे इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो ये वापड़ा इसको मैंने बंद कर दिया है और यहाँ से हमने करंट को स्टॉप कर दिया है, करंट हमारा जो अब रुक चुका है। अब जब ये सारा पीछे जाएगा ना, बिल्कुल पीछे ज़ीरो पर चले जाएगा, तो फिर हम अपनी मोटर जो है ना उसको करेंगे ऑन। तो चले गया अभी, बिल्कुल पीछे चला गया, अभी यहाँ से हमने मोटर जो है ना इसको ऑन कर दिया और यहाँ से ने इसको रन कर दिया, अभी करंट जो है वो आ चुका है वापडा, ये सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई हैं। पर ये जमने कहाँ पे रखी है जी, फिलहाल दिखाते हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं उधर मोटर को देखते हैं कि वो चली है या नहीं। हाँ जी ये कहाँ से लेकर आया बोखर? इसने उठाई है डॉगी ने खुद, बड़ा शैतान हो गया है फिर ये। चलो मोहम्मद सुबान बोल रहे हैं कि इधर झाड़ू पड़ा हुआ था और बोखर पड़ी हुई थी और इसने खुद ही उठा ली है। चले जी माशाल्लाह मोटर हमारी जो है वो चल चुकी है, गार्डन को लगेगा पानी, मेरे ख्याल में तारिक साहब उधर टोकवा करने गए हैं। ओए कितना सुकून है ना फजर, इधर बैठो मोहम्मद सुबान, इधर आ जाओ, देखो ऊपर से जो है इधर मोटर चल रही है और इधर बिल्कुल ऐसे ना ठंडा ठंडा माहौल बना हुआ है, पानी ठंडा ठंडा चल रहा है। जैक को मेरे ख्याल में ना नहाने का है। हाँ जी ये पानी पी रही है, जैक पानी पी रहा है भाई, इसको मैंने अभी पानी पिलाया है, इसकी आदत बन गई, अब हर चीज़ में ऐसे भाग के मुंह डाल ले। बैठ जाओ ऊपर मोहम्मद सुबान। तो माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ पे लग रहा है, उधर नहीं लगता, धूप होती है लेकिन दरख्त के नीचे बहुत ही अच्छा लगता है। वो इधर से वो ट्यूबवेल चल रहा है और साथ में ठंडी ठंडी पानी हो और ऊपर से चारपाई पड़ी हो तो बंदा आराम से सो। यार एक सामने आजकल इधर डेरे लगाए हुए हैं, वो कहते हैं इधर ज़्यादा सुकून होता है यहाँ पे ना।
इनको भी लगा लेते हैं, इनको रोज़ ही तकरीबन पानी लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा लगती है ना इस साइड से, ऊपर सूरज होता है और रेतली ज़मीन है, रोज़ ही इसको पानी लगाना पड़ता है। मेरे ख्याल में तारिक साहब जो है वो इधर टोकवा कर रहे हैं, टोकवा टोकवा किया जाएगा तो फिर ही पानी जो है वो इधर आएगा गार्डन में। लेकिन तारिक साहब ये चीज़ देखनी है कि पानी उतना होना चाहिए कि वो गार्डन में ही रहे। हाँ जी, क्योंकि फिर वो ना सारा सेहन में चला जाता है, और पानी लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चेक करें यहाँ पे ये सब्ज़ दोरी कितनी ज़्यादा जो मैंने लगाई थी वो सारी मशरूम से ना हो गई हैं, ये देखें। तो फिर इनको पानी की ज़रूरत होती है रोज़ रोज़, अभी धूप की वजह से ये ना मुरझा गई हैं, इसलिए हर जगह पे तकरीबन जहाँ भी हमने लगाई थी ना वहीं वहीं पे हो चुकी है। तो ये जी हमारा खूबसूरत सा चूल्हा, इसको उठा के रखते हैं इधर ऊपर रख देते हैं वरना गीला गीला हो जाएगा, ख़राब ना हो जाए। अभी मैंने तारिक साहब को नुकसान किया था ये टूट जाता ना तो बस मेरी खैर नहीं थी। फिर शहद की मक्खियाँ चेक करें जी, ओए 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 इतनी ज़्यादा आई हुई हैं। तो इस दरवाज़े को साइड पे कर देते हैं। ये जी तारिक साहब ने इसके साथ साथ ये वाला भी काम तमाम कर दिया इनका भी। हाँ जी, अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है ना, ये चारे में इसकी कटाई हो सकती है, पता नहीं बीमारी है ना। हाँ जी, फिर जानवरों को नहीं खिलाते। मैंने कहा माशाल्लाह ये वाले दोनों पौधे भी काफ़ी अच्छे हो गए, इनको खाड़ के अंदर लगा ले बंदा ना, उधर उधर से ले आएंगे ना, ये ठीक है सही है। ये नहाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ जो है ना वो तारिक साहब ने किए। तारिक साहब ये प्याज इधर चेक करें कितने बड़े बड़े हो गए थे ना, तो ये वाले प्याज जो है ये बड़े नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा थी, इसलिए गर्मी की वजह से ना इनको हीट लग गई है ज़्यादा, वो रेत में भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो खड़े हुए हैं ना ये इतने सेहतमंद और बड़े हो गए। हाँ जी, पीने दो पानी। अब इन्होंने भी ऐसे चलें जी। तो फाइनली हमारा पानी जो है वो गार्डन में छूट चुका है। मोहम्मद सुबहान, आपने जूता गंदे किए बगैर अंदर चले जाना है, वरना फिर आपने ना जूते में पानी चला गया तो इसने उतार देना है। बाबू है जी साडा वट्टा अड्डियाँ कुचण वाला, जिससे ना वो एक झावा बोलते हैं ना वो होता है, तो इससे वो एड़ियों की सफाई वगैरह हम करते हैं, हम लोग ने वो बना लिया है ये। तो माशाल्लाह से नलके का पानी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है, ये इसकी बहुत ज़्यादा मौजें हैं। चलें अभी पानी फ़िलहाल लगा हुआ है, जब तक पानी लगा हुआ है मैं फ्रिज की कंडीशन दिखा लूँ, क्योंकि मैं जब तक दिखाऊँ ना खुशी जो है ना वो संभल नहीं रही है, इसलिए। तो इस साइड पर जा रही है ये तूड़ी वाली ट्राली, नहीं इसको बोल सकते तूड़ी वाला ट्रॉला, बड़ा बड़ा ट्रॉला जो है वो जा रहा है, क्योंकि आजकल नए सीज़न आने वाला है, गंदम जो है वो समझ में नहीं आएगी और नई तूड़ी होगी, पहले वाली सेल की जा रही है। तो ना कुछ कहो ना वो वैसे प्यार करता है, हाथ नहीं लगाओ उसको, कह रहा है कुत्ता नहीं होता तो कुत्ते को ही कुत्ता बोल रहे हैं। तो खैर चले, अब हम लोग आ गए हैं जी कमरे में। कमरे में थोड़ी सी ठंड है ना, बाहर बड़ी गर्मी है आज, और आज वैसे भी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो यहाँ पे जी हमने फ्रिज की मैंने थोड़ी सी सेटिंग पहले दिखाई थी, बाकी दिखा देते हैं कि हमने फ़िलहाल फ्रिज की सेटिंग यहाँ पे कर दी है और फ्रिज को हमने चला दिया है। तारिक साहब फ्रिज चल रही है ना, उस टाइम मैंने ना बंद कर दी थी, फिर तारिक साहब ने ना इसको चला दिया और हमने ना इसमें फ़िलहाल रखा हुआ कुछ नहीं है, यानी कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं रखा। तो इंशाल्लाह आज, क्योंकि उन्होंने भाई लोगों ने बोला था कि आपने 3 घंटे इसको ना बस ऐसे खाली चलाना है, 3 घंटे मैंने खाली चलाया और उसके बाद फिर मैंने इसमें ना कटोरी भर के पानी का जो है वो रख दिया। मैंने कहा चेक करते हैं बर्फ़ बनती भी है या नहीं। तो माशाल्लाह जी काफ़ी कूलिंग है, कूलिंग की वजह से दरवाज़ा खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो चेक करें जी, माशाल्लाह चेक करें, चेक करें और माशाल्लाह भी बोलें सभी। तो हमारी जो है फ्रिज में बर्फ़ बन चुकी है, उन दोनों में भी और इसमें भी। फ़िलहाल मैंने 3 कटोरियाँ भर के रखी हैं और अभी हम खोलते हैं इसको। फ़िलहाल ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई है,
इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के आप सबको ना भरी भरी नज़र आएगी, क्योंकि तारिक साहब ने अफ्तारी का सामान जो है वो अभी लेने के लिए जाना है। तो जब आएगा तो हम लोग तकरीबन रोज़ का रोज़ नया ही लेकर आते हैं, उसको रखते नहीं थे इसी वजह से, क्योंकि वो फिर फ्रिज नहीं थी उस टाइम ना, तो वो फिर ताज़ा ताज़ा होता है इसलिए। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट इसमें रखा करेंगे। इधर नहीं जाना, अभी कीड़े निकलेंगे, वापस आ जाओ मोहम्मद सुबान। चले, हमारा गार्डन जो वो भी भर चुका है, तो ये तो भरता रहेगा। और अभी मैं जल्दी से करती हूँ अपनी इफ्तार की तैयारी। और आज हम लोग खाने में बना रहे हैं जी भिंडी। भिंडी जो है ना, इधर चेक करें, इधर चेक करें, खुशी चेक करें, नाच रहा है बच्चा कि आज भिंडी बन रही है। गर्मी ज़्यादा है ना इस वजह से। तो अभी पानी जैसे ही हमने लगाया ना, पानी फौरन खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ जी भिंडी, और तारिक साहब जा रहे हैं इफ्तार का सामान लेने। तो भिंडियाँ जो है इनको काट लेती हैं, और फिर मैं जल्दी से सालन तैयार कर लूँगी। हो सकता है कि तारिक साहब के आने से पहले ही कर लूँ, क्योंकि वो थोड़ा शहर जाएंगे तो थोड़ा ना लेट हो जाएगा। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब जो है ना वो पहुंच चुके हैं वापस घर, और फ्रूट्स लेकर आ गए हैं। फजर बेटी जो है वो फ्रूट निकाल कर ट्रे में रख रही है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। और सालन जो है वो मैंने भिंडी का बना के रख दिया है। माशाल्लाह आज भिंडी थी भी बहुत अच्छी, क्योंकि जब मौसम आती है ना तो उस टाइम सब्ज़ी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए बनी भी काफ़ी अच्छी है। तो भिंडी के साथ तंदूरी रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, वो भी बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने कहा कि हम लोग इफ्तार की तैयारी जो है वो कर लेते हैं। तो आलू मैंने काट के रख लिए इधर, और अब यहाँ पे मेरी हरा धनिया और साथ में पालक हमारी जो घर की देसी है ना वो काट रही हूँ मैं। सारी चीज़ें घर दी हैं, आलू भी घर का है। हाँ जी, आलू भी घर का है। हाँ जी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख सारी चीज़ें घर की हैं। हाँ जी, ये भी आपकी बात ठीक है। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मसाला जो है पकोड़ों को वो तैयार कर लिया, क्योंकि पकोड़ों के बगैर अफ्तारी समझ लें अधूरी होती है। और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं पकोड़े, बड़े भी शौक़ से खाते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं खाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए वो चीज़ बंदा बनाए जो बच्चों को पसंद हो, ताकि बच्चे भी हमारे साथ मिल बैठ के अफ्तारी करें और उन्हें भी पता चले हर चीज़ का ना। तो बाकी यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट वगैरह जो है वो काट के रख लिए, और आज तारिक साहब ने स्ट्रॉबेरी लेकर आए हैं इधर। हम पेंडू लोग स्ट्रॉबेरी वैसे खाते नहीं हैं, लेकिन जब देखते हैं ना तो बस बड़ा दिल करता है लिए हैं लिए हैं। तो इसलिए फिर तारिक साहब से बोला था मैंने कि आप ना स्ट्रॉबेरी भी ज़रूर लेकर आना, फजर की फेवरेट है, फजर शौक से खाती है। तो फिर ये भी हमारी आ गई है, फ्रूट काट के मैंने रख लिए हैं, और अब मुझे तसल्ली रहेगी, बस शरबत बनाऊँगी और साथ में फिर मैं अपने पकौड़े जो हैं वो आराम से फ्राई करती रहूँगी और साथ साथ में देती रहूँगी, क्योंकि वो मैं उसी टाइम फ़ौरन करती हूँ ताकि ठंडे ना हो जाए। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इफ्तार हमारी लग चुकी है, और ये है बच्चे जो है चिड़ी रोज़ा रखने वाले, चिड़ी रोज़ा रखने वाले, शरबत पहले पींदे बैठे हैं, नाला लेनू शेयर कर लियो। और यहाँ पर हमारे जी तैयार हो चुके हैं पकोड़े, कुछ और कुछ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, किस किस को रोज़ा है? मुर्गे को रोज़ है, मोहम्मद बोल रहा है कि मुर्गे को रोज़ है। मुर्गे को तो वाकई रोज़ है, उधर देखना कहीं वो खा ही नहीं। ओ, चलो चलो दुआ मांगो भाई। दुआ मांग लो फजर। ले रोज़ अफ्तार करवाई के लोग, ये 5 मिनट पहले बताता है ना, 10 मिनट। ठीक है जी, पता चल गया है हमें।
कि रोज़े के 5 मिनट रहते हैं अभी इफ्तार होने में। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का टाइम हो चुका है और तंदूरी भी जल रही है साथ साथ में, और ये पकोड़े लेकर चलते हैं उधर। आ जाओ, इधर हमारे नन्हे मेहमान पहले आए बैठे हैं, खाओ। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की इफ्तारी जो है वो हो चुकी है और साथ में तंदूरी हमारी जलती रही है। वो जल गई थी लेकिन सफ़ेद नहीं हुई थी, इसलिए अभी मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ ना इसमें और डाल दी हैं। तो जैसे ही ये होती है सफ़ेद तो फिर हम बनाएंगे रोटियाँ, और साथ में हमारी भिंडी जो है वो सब्ज़ सब्ज़ तैयार है, तो फिर खाएंगे हम खाना रात का। भिंडी के साथ जो है रोटी बड़ी ज़बरदस्त लगती है तंदूरी की। ये लग गई रोटी। तो अब जी रात हो चुकी है और मैं लगा रही हूँ रोटियाँ, तंदूरी हमारी जो है वो जल चुकी है। तो पहले ये होता था कि रात को रोटी बना के रखते थे तंदूरी पे और सुबह फिर मक्खन और लस्सी के साथ खाई जाती थी। शहरी में भी और नाश्ते में भी काफ़ी लोग ना खाते थे और फिर जल्दी जल्दी खेतों में निकल जाते थे काम के लिए। तो आज ना मैं कह रही हूँ हम भी ऐसे बना के रखते हैं और शहरी में खाएँगे मक्खन के साथ। पहन लिए जूती, शुक्र है पहन लिए, अच्छे बच्चे बन गए फिर आप। हाँ जी आटा नहीं लेना, नहीं। ना बुरी बात नहीं, आटा मैं हूँ नहीं गूंदने वाली, आपकी आपी भी है वो गूंदेगी, आपने क्यों गूंदना है? कह रहा है कि मैंने आटा गूंदना, ये छोटी सी रोटी बनी है मोहम्मद सुबान की। हमारी एक मोहम्मद सुबान और फजर, सामने वाली उतार लो। मेरी भी छोटी सी बना दो। वो बना दिए बेटी, हो ही सैड गई। चलो ठीक हो गया, छोटी बनाऊंगी बड़ी नहीं बनाऊंगी। तो ये बच्चों की, हम लोग भी अक्सर ऐसे ही करते थे जब मम्मी रोटियां बना रही होती तो पहले मैंने लेनी है, पहले मैंने लेनी है, पहले आटा। अब ख़त्म हो गया, रोटियाँ बना ली। ये जी अभी हमारी रोटियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं और अब साथ वालों की बारी है। आज भी रोटियाँ लगा लो।